वो नोटिस आया था जावेद मोहम्मद साहब के नाम में, जबकि घर जो है वो आफरीन फातिमा की जो वालिदा है उनकी जो अम्मी है उनके नाम है, बल्कि उनकी भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, वो सामने ना आए इसलिए सैटरडे की रात में चिपकाया गया ताकि संडे कोर्ट बंद होता है कोई कार्रवाई ना हो सके और बिना किसी कोर्ट के सुपरविजन या सवाल के इस घर को ढा दिया। ये पूरी जो कार्रवाई गिरफ्तारी और हिरासत में लेने से लेके डिमोलिशन के लिए जो प्रक्रिया उन्होंने इस्तेमाल की वो साफ कर देता है कि इलाहाबाद पुलिस और प्रशासन की कभी भी नीयत साफ नहीं थी, वो कानूनी तरीके से चले ही नहीं। नोटिस घर के ऊपर चिपका के वो चले गए। उस नोटिस की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। वो नोटिस एलिजिबली वो प्रोसेस है जो कि इलाहाबाद के प्रशासन ने फॉलो किया। डिमोलिशन का नोटिस था जो ये कह रहा था कि एक महीना पहले 9 मई को कोई नोटिस दिया गया था परिवार को कि उनके कुछ प्रोविजंस नहीं फॉलो किए गए हैं लोकल एक्ट के उनके घर को बनाने में, इसलिए उनको उसका जवाब देना होगा। फिर उसमें कहा गया कि 24 मई को उनके घर के ऊपर एक सुनवाई हुई और एक ऑर्डर पास हुआ और 9 जून को उनको घर खाली करने के लिए कहा गया। लेकिन अगर ये पूरी प्रोसेस हुई होती तो एक बुनियादी सवाल ये बनता है, पहली बात तो फैमिली के पास ऐसा कोई नोटिस आया नहीं था, लेकिन अगर आप फैमिली की बात पर यकीन नहीं भी करना चाहते, अगर इतना लंबा लीगल प्रोसेस हुआ होता तो एक बुनियादी बात तो सामने आती कि घर किसके नाम था, उसका मालिकाना हक किसके पास था। वो नोटिस आया था जावेद मोहम्मद साहब के नाम में, जबकि घर जो है वो आफरीन फातिमा की जो वालिदा है उनकी जो अम्मी है उनके नाम है, बल्कि उनकी भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, घर उनके नाम है, जमीन उनके नाम है। और इलाहाबाद प्रशासन का यह कहना है कि पूरी कार्रवाई उन्होंने 1.5 महीने की थी और ये बेसिक बात भी उनके सामने नहीं है। उसके बाद आप और बदमाशी देखिए उस नोटिस के अंदर कि वो नोटिस था 10 जून का जो कि फ्राइडे का नोटिस था, लेकिन 11 जून की रात को बिल्कुल 11 बजे के करीब उसको आकर घर के ऊपर लगाया गया। इसकी वजह भी साफ है बैकडेटेड नोटिस लगाने की, क्योंकि अगर वो फ्राइडे की रात में ये नोटिस लगाते तो जाहिर सी बात है कि परिवार वाले कोर्ट जाते, नोटिस को चैलेंज करते और जो उसके अंदर इललीगैलिटीज है, क्योंकि वो जो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जो प्रीवियस नोटिसेस की बात कर रहे हैं, उसका कोई एविडेंस, कोई कॉपी उन्होंने नहीं दिया है। अगर वो जाते तो ये जो बुनियादी किस्म के उसमें फ्लॉज और एरर्स थे वो सामने आ जाते, वो सामने ना आए इसलिए सैटरडे की रात में चिपकाया गया ताकि संडे कोर्ट बंद होता है कोई कार्रवाई ना हो सके और बिना किसी कोर्ट के सुपरविजन या सवाल के इस घर को ढा दिया। ये पूरी जो कार्रवाई गिरफ्तारी और हिरासत में लेने से लेके डिमोलिशन के लिए जो प्रक्रिया उन्होंने इस्तेमाल की वो साफ कर देता है कि इलाहाबाद पुलिस और प्रशासन की कभी भी नियत साफ नहीं थी, वो कानूनी तरीके से चले ही नहीं। और साथ में हमको ये भी सोचना होगा, प्रोसीजर की इस केस में बहुत बात हो चुकी है, प्रोसीजर कोई हंसी मजाक के लिए नहीं बनाया गया है या कोई कागज भरने के लिए नहीं बनाया गया है, ये प्रोसीजर इसलिए बनाए गए हैं ताकि पुलिस और प्रशासन अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके ऐसे जुल्म ना कर सके। लेकिन इलाहाबाद में पुलिस ने और प्रशासन ने जावेद मोहम्मद साहब और उनके पूरे परिवार के साथ इसी तरह का जुल्म किया है और कंप्लीटली इललीगल और अनकॉन्शनेबल तरीकों से पहले उनको हिरासत में रखा गया, आज भी जावेद साहब को अपनी गिरफ्तार करके रखा हुआ है और उस पूरे परिवार के घर को बिना सोचे समझे, बिना कानून का बेसिक प्रोसीजर फॉलो किए उसको ढाया गया। इसके अलावा हम कोई बात नहीं रखना चाहते, ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपके सामने हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी और मुल्क की जो जुडिशरी है जिसके सामने ये जाने वाला है, हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी इस जिस तरह कानून का खिलवाड़ किया गया है और उसका मजाक बनाया गया है उसके ऊपर कोई सख्त रवैया अख्तियार करेंगे। शुक्रिया।